वो हमसे ज्यादा समझदार है. They're so emotional, sentimental, very caring. के सारे आदि दादाजी के दोस्त थे. हाँ बेटा, तुम भी उनके दोस्त बनकर उनका ख्याल रखोगे ना? हाँ हाँ, मैं भी पक्का ख्याल रखूँगा. Promise बेटा. Promise पापा. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम. आज की वीडियो हम फिर हाजिर हो चुके हैं लेकर टॉप 5 मूवीज जो 2021 के आखिर में रिलीज होने वाली हैं. तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें और हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट नाउ. तो पहली मूवी की हम बात करते हैं जो रिलीज़ होने वाली है 2021 को रिलीज़ होने वाली है. तो पहली मूवी की बात करते हैं साउथ इंडिया की, जिसका नाम है हाथी मेरा साथी, जो राणा रघुपति की मूवी है. और अगर इसकी डेट रिलीज़ की हम बात करें तो डेट रिलीज़ है 26 जून 2021 यह रिलीज़ होगी. आठ साल के करियर में एक फियरलेस पुलिस ऑफिसर कहने के पीछे एक क्लियर वजह थी, ना कोई आगे ना कोई पीछे. और अब नंबर टू पे हम बात करते हैं मेरा फेवरेट हीरो जॉन इब्राहिम की बात करते हैं, जो इनकी रिलीज होने वाली न्यू मूवी है उसका नाम है 1911 यानी के 1911 ड्रामा मूवी है. बहुत अच्छी मूवी है, ये देखना लाजमी. और इसके डेट रिलीज की बात करें तो 28 जून 2021 को ये रिलीज होने वाली है मूवी. बहुत प्यारी मूवी है ये, तो जरूर देखिएगा. जिसने भी ये किया है बहुत सही प्लानिंग की. पुलिस कभी भी क्लोजिंग कर सकती है, मुझे इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा. और अब हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन की रिलीज होने वाली मूवी के बारे में. अगर इसकी मूवी के बारे में बात करें तो रिलीज होने वाली है गुलाब जामुन. और अगर इसकी डेट रिलीज के बारे में बात करें तो ये डेट रिलीज है इसकी 4 दिसंबर 2021 को ये रिलीज हो जाएगी. और ये किस किस का फेवरेट हीरो है ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा. तो हुआ क्या कल रात को? इसकी वाइफ कैथरीन सेठ और दूसरा लॉयर शेखर सेना. शेखर को क्यों मारा? मैंने शेखर को नहीं मारा है. विक्रम ने शेखर को मारा क्यों? जो आदमी अपनी बीवी को मार सकता है उसके लिए एक अनजान आदमी को मारना कौन सी बड़ी बात है? और नंबर फोर पे हम जिस एक्टर की हम बात करने वाले हैं, जिस हीरो के बारे में बात करने वाले हैं, यह भी मेरा फेवरेट हीरो है और बहुत अच्छी मूवीज दे रहा है इंडस्ट्री को, जिसका नाम है अक्षय खन्ना. और इसकी मूवी रिलीज होने वाली है बस सारा. और अगर इसकी डेट रिलीज के बारे में हम बात करें तो इसकी डेट रिलीज है 13 दिसंबर 2021. ए, इसको खाना दे. सुन, देखो ना, क्या पता कोई नया आया लगता है. ए, दो चाय एक बिना शक्कर, इसका पैसा कौन देगा? तेरा बाप. क्या? मेरा बाप, वो पापा के. और नंबर फाइव पर कॉमेडियन सीरियस एंड बहुत अच्छी मूवी बनाने वाले नाना पाटेकर की मूवी है डाका. बहुत अच्छी मूवी है यह, ड्रामा कॉमेडी. और इसकी डेट रिलीज़ की अगर हम बात करें तो डेट रिलीज़ है 19 दिसंबर 2021. और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह हाफिज़.